प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अलवर, धौलपुर, जयपुर, कोटा हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहीं 127 नए मामले आज सामने आए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 127 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 4796 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 12 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई है। प्रवासी संक्रमितों का आंकड़ा 4700 के पार पहुंच गया है। राजस्थान में 4796 एक्टिव केस हैं। अलवर, धौलपुर, जयपुर, कोटा हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहीं आज 127 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, कोरोना के आंकड़ों को लेकर अपडेट आ गई है, एक बार फिर से आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। कुछ जिलों की अगर बात करें तो विशेष तौर पर हॉटस्पॉट के रूप में अब ये कुछ जिले सामने आ रहे हैं। ऐसे में थमता नजर नहीं आ रहा है कोरोना का जो दायरा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में 127 पॉजिटिव केसेस जो है आज सुबह 10:30 बजे तक रिपोर्ट किए गए हैं और अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित आंकड़ा जो है वो 16,000 के पार पहुंच चुका है और वहीं प्रदेश में 389 कोरोना संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि करीब 3,000 ज्यादा ही केवल जो है अब एक्टिव केसेस राजस्थान में रहे हैं। इनसे ज्यादा जो मरीज थे ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो एक अच्छी बात ये कही जा सकती है, रिकवरी रेट जो है राजस्थान का काफी बेहतर है, जिसके चलते स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है। जिस तरह के हालातों की अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना का कहर ये देखा जा रहा था कि राजधानी समेत कई जिलों में देखा जा रहा था, लेकिन अब लगातार कोरोना का कहर जो है शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो परकोटे इलाके से अब कोरोना संक्रमण जो है शहर के सभी ओर फैलता नजर आ रहा है। हर इलाके में जो है कोरोना संक्रमित हर रोज सामने आ रहा है, तो ऐसे में लगातार जो है पुलिस प्रशासन और चिकित्सा महकमे की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन रिकवरी रेट बेहतर होने के चलते राजस्थान में स्थिति जो है अभी भी पूरी तरह नियंत्रित कही जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बाहरी जो प्रवासी राजस्थान में आ रहे हैं वो भी बड़ी मात्रा में संक्रमित आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी आज करीब 13 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो बीते एक सप्ताह से जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24 घंटों के भीतर जो है करीब 150 के आसपास रहता था, लेकिन अब 300 और 300 के पार भी जा पहुंचा है, तो ये जरूर एक मुश्किल और सोचने वाली बात कही जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के हालात प्रदेश में देखे जा रहे हैं तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में कही जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर के बात कही जाए, चाहे मास्क लगाने की बात कही जाए, तमाम जो गाइडलाइन सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनकी सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन के तमाम टीमें जो है शहर में घूम रही है। लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं या फिर मास्क लगाकर नहीं रहते तो उनका चालान किया जा रहा है। ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही है उनको भी चालान किया जा रहा है, और दोबारा या उससे अधिक बार अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो उस दुकान को सीज भी किया जा रहा है। अब तक लाखों लोगों के खिलाफ जो है इस तरह के चालान पुलिस की ओर से किए जा चुके हैं और करोड़ों रुपए का जुर्माना भी राजस्थान में वसूला जा चुका है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना से अगर बचाव रखना है तो सावधानी जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी जो है गया नहीं है। कोरोना राजस्थान में संक्रमण अब भी फैल रहा है, लेकिन लोग अगर जागरूक रहे, सावधानी बरतें, तो इस संक्रमण को और फैलने से रोका जा सकता है। धन्यवाद विवेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।